Hello guys, what's up? This is McGregor. Welcome back to the channel and I'm in Jhansi right now. और आज का प्लान ये है कि झांसी से हम लोग निकलने वाले हैं चंडीगढ़ के लिए. तो अभी कल हम लोग एक्चुअली काफ़ी लेट हो गए थे, बारिश बहुत ज़्यादा हुआ. 10:30 तक झांसी पहुँचे और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने होटल चेक इन कर लिया. तो होटल जो है कुछ इस तरीके से है. तो अभी का प्लान ये है कि यहाँ से निकल रहे हैं. द टाइम इज़ 6:30 और यहाँ से जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही बेटर रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को दिल्ली का ट्रैफिक अवॉइड करना है. तो लेट्स सी, अभी यहाँ से निकलते हैं. आ जाओ. हाँ आ जाओ. चलो जी, तो अपने को मिल गए भाई लोग और ये लोग यहाँ पे काम करते हैं. सो उन्होंने देखा सुबह कि बाइक वाइक वाले आ रखे हैं. तो हाँ, जीरकपुर. तो अभी हम लोग एक्चुअली यहाँ से जीरकपुर जा रहे हैं. मेरा घर जीरकपुर में ही है. तो वहाँ से कालका शिमला हाईवे लेके वाया भद्दी हम लोग मनाली निकलने का प्लान है. अभी जो फ्यूल रेंज है वो दिखा रहा है 231 और 231 के हिसाब से हम लोग आई थिंक से दोबारा यूपी एंटर कर देंगे. यूपी से ही पेट्रोल पड़वाएंगे क्योंकि यूपी में पेट्रोल 99 का है, बाकी जगह महंगा है. चलो चलो भैया, ठीक है, चलो ओके. तो अभी हम लोग यहाँ से झांसी से निकल रहे हैं टूवर्ड्स चंडीगढ़. और जो एस्टिमेटेड टाइम है 7 बजे का दिखा रहा है, बट अगेन वही 9-10 के अराउंड हो ही जाएगा मेरे को लग रहा है जहाँ तक. तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ से यूपी से एमपी एंटर कर जाएंगे, देन अगेन यूपी एंटर कर जाएंगे. तो फ्यूल रेंज 228 की दिखा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए. और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आर्मी कैंटोनमेंट है, तो अच्छा है सिटी. बस यही चीज़ है कि योगी जी की सरकार तो आ गई, बट गाय बहुत ज़्यादा हो गई हैं यार यहाँ पे. बहुत ज़्यादा रोड गाय हैं. तो यहाँ से अभी हम लोग हाईवे ज्वाइन करेंगे और हाईवे ज्वाइन करने के बाद में सीधा खींच देंगे. दिल्ली के आउटस्कर्ट से ही निकल जाएंगे शायद हम लोग, दिल्ली के अंदर नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा. और यहाँ से आगरा तक का रोड ऐसा ही मिलेगा जैसा कि बाकी लोगों ने बोला है. तो अभी यहाँ से सीन ये है कि श्रीनगर 1234 अरे 1234 क्या बात है, 1234 गेट ऑन द डांस फ्लोर. तो गाइज वी आर इन ग्वालियर और यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक मतलब ये ठेले वाले मिल रहे थे जहाँ पे पोहा बनता है. तो हम लोगों ने पोहा वोहा खाया है. अभी ये देखो कैसे दिख रहा है, मस्त एकदम, क्या बात है, स्वाद. बहुत सही है, अच्छा है एक्चुअली. तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट हो गया एंड इसके बाद ट्राई करेंगे कि सीधा दिल्ली क्रॉस करने के बाद में करनाल में रुके, क्योंकि एक और सब्सक्राइबर है जिसने बोला है कि वहाँ पे मीट करते हैं. तो मैंने सजेस्ट किया थोड़ा सा मेन हाईवे पे आने के लिए, क्योंकि कोई भी है अगर जैसे कि मेरे को अगर इंस्टाग्राम पे पहले पूछ रहा है तो मेरे को बता दो मेन हाईवे पे ज्वाइन करने का ट्राई करना, क्योंकि बाकी जगह इधर उधर सिटी में चले जाता ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है एंड उसके बाद में डिले हो जाती है राइड. तो अभी हम लोग यहाँ से ग्वालियर जो मेन सिटी थी वो क्रॉस करके वी आर गोइंग टू ज्वाइन द हाईवे अगेन. तो यहाँ से स्ट्रेट वाला रास्ता जो है न्यू दिल्ली आगरा यही है. तो आगरा में यमुना एक्सप्रेस हाईवे ज्वाइन करने को मिल गया तो अच्छा है. लिखा लिखा ट्रक पे दिल ले गया छोरा बाबा का, रवि भाई की दीवानी. अरे रवि भाई की दीवानी. रवि को टैग करना पड़ेगा इसमें. अभी बुलेट वाला अपनी बकचोदियां पहलेगा गुर्जर. वाह,
भाई साहब क्या गंदा वाला जाम लगा हुआ ना, पूरा ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आगरा पहुँचने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक करने के बाद में मतलब हम लोग को फाइनली रूट मिल गया है और इधर से 210 किलोमीटर है, लेफ्ट साइड में जाना है। चलो चलो चलो, तो वी आर गोइंग लेफ्ट नाउ। ये देखो हुआ, इधर से आगरा से बाईपास करके आगे पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग अभी यहाँ से मानेसर ज्वाइन कर चुके हैं और पूरा धूल मिट्टी पॉल्यूशन, बाय गॉड क्या ट्रैफिक है, गंदी वाली गर्मी पड़ रही है, बहुत गंदी गर्मी है। तो फाइनली अपने को दिल्ली एंटर करने से पहले एक ढाबा मिल गया। एक्चुअली टाइम हो चुका है 2:13, तो लंच वंच स्किप नहीं करना है, आज लंच कर लेते हैं टाइम से। कौन सा है, हरी कृष्ण ढाबा, आइसक्रीम आइसक्रीम भी है। बाइक वाइक हम लोगों ने उधर पार्क कर दिया है ताकि सामान वामान दिखा रहे हम लोगों का। और यहाँ पे अगर रेडबुल है भाई, रेडबुल मार के चलेंगे। सो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे पीछे थोड़ा सा ढाबा था, लंच कर लिया। टाइम इज 3:35, 287 का फ्यूल रेंज दिखा रहा है। अभी हम लोगों ने जस्ट फिल कराया है SR से, आगे 99 रुपीज़ का पेट्रोल है, विच इज़ गुड। और अच्छे टाइम पे पड़ गया कि हम लोगों को कम पड़ गया पेट्रोल। जो टोटल डिस्टेंस चंडीगढ़ तक का दिखा रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड 266। वी हैव एंटर्ड दिल्ली और अभी टाइम हो रहा है 3:53 और चंडीगढ़ पहुंचने का एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है अराउंड 9 o'clock। तो एक बार चंडीगढ़ वाला हाईवे ज्वाइन कर जाते हैं तो आई जस्ट होप कि ज़्यादा टाइम ना लगे एंड ये वाला रोड भी ऐसा रहे कि कुछ ट्रैफिक कम ही मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जहाँ पे सिटी में ट्रैफिक मिल जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी। ये देखो अभी अपने साथ में मेट्रो चल रही है यहाँ पे, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। ये देखो अभी मेट्रो से आगे निकल जाते हैं हम, क्योंकि मेट्रो को दिल्ली में रह जाना है, हमने चंडीगढ़ जाना है। हमारे पहली बार दिल्ली में ऐसा देखा, इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रैफिक चल रहा है इतनी देर से, मतलब हम लोगों को लिटरली लग रहा है कि लोग स्लो चल रहे हैं। हाँ, एक बंदे ने हॉर्न भी नहीं बजाया, सही में भाई सोचने वाला बात है। और एक्चुअली आई थिंक सो, मतलब ये कुछ एवरेज स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं तो ग्रीन लाइट मिल रही है, मे बी कुछ तो है सीन। हाँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है एक्चुअली, अगर प्लान है, अगर कोइंसिडेंस है तो बात अलग है। बट दिस इज़ रियली गुड मैन, जहाँ पे भी ट्रैफिक है ये कुछ ऐसा टाइप का सॉल्यूशन बनाना चाहिए कि जिससे कि ट्रैफिक कम हो पाए। ये कोई सा तो टेम्पल पड़ा है यहाँ पे, दिल्ली की गलियों से निकाल रहा है मैप अपने को, क्योंकि रूट फास्टर यही वाला दिखा रहा है। दूसरा वाला जो रूट था वो 53 मिनट स्लोअर दिखा रहा था। तो सो ये है यहाँ का लाल किला और ये ISBT कश्मीरी गेट इज़ ऑन द राइट, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन लेफ्ट में, और हम लोगों को जाना है स्ट्रेट क्योंकि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स करनाल नाउ। और पूरा ये पूरा इधर से जो भी कानपुर साइड से ट्रेन आती है, हाँ। अभी 4:54 हो चुका है और अब हम लोगों ने जाके दिल्ली का मेन सिटी क्रॉस किया है। बाय गॉड खतरनाक ट्रैफिक, थोड़ा बहुत एरिया अच्छा दिखा था बस उसके बाद में। हाँ, 3 बजे घुसे थे और एग्जैक्टली 2 घंटा लग गया हम लोगों को क्रॉस करने में। यहाँ से स्ट्रेट आ जाता है रोहिणी, लेफ्ट आ जाता है करनाल और यहाँ से पूरा राउंड में घूम के हम लोग निकल जाएंगे लेफ्ट वाली साइड में, चंडीगढ़ वाली साइड में। बाबा रे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बस यही चीज़ अच्छी लगती है, राइड में खाली रोड मिलती रहती है तो बढ़िया लगता है। यहाँ से दिखा रहा है स्ट्रेट करनाल, बट डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है, लेट्स सी। ये ऑटो वाले यार ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये इधर उधर जाते रहते हैं। ये देखो सारचू वाला एक्सपीरियंस चल रहा है और कितना धूल उड़ रहा है, अभी कल वाली राइड के लिए पूरा एक्सपीरियंस हो रहा है अपना। ये देखो ओ, तो पूरा ही एक्सपीरियंस हो गया, तो डमी देने लगे मेरे को। पता नहीं यार क्या इन्होंने रोड मेन बंद कर रखी है लिटरली, यहाँ से थोड़ा सा पूरा मतलब थोड़ा सा क्या एक्चुअली काफ़ी घूम के जाना पड़ रहा है। निकाल भाई निकाल निकाल निकाल, निकाल।
कि कैसा सा रास्ता मिल रहा है यहाँ पे, कल पता लगने वाली भाई राइड। पूरा हाथ दर्द कर गया मेरा, लिटरली आर देयर मैड। NH1 पूरा ब्लॉक कर रखा है उस साइड से, और ये यहाँ पे बेकार सा रूट एकदम दिया हुआ है मेन रोड, मेन द्वारा NH1 हाईवे ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे पूरा ट्रैफिक, मतलब रोड है ही नहीं। ये देखो गूगल मैप्स के रास्ते, एक NH1 का रास्ता था नहीं तो कहाँ से जाके निकाला है ना, पूछो मत भाई। तो यहाँ पे रास्ता ही नहीं है और ग्रीन दिख, मतलब पूरा ब्लू दिखा रहा है, क्या ही मतलब है, क्या कहना है। बेकार गूगल साला रास्ता दिखाता है, रास्ता है ही नहीं जो रास्ता दिखा रहा है। ओ यार रसोई ढाबा में रुकता हूँ थोड़ी देर, बहुत ऑफ रोडिंग होगी मेरे RR310 के हिसाब से तो। Bro, you are the MVP, हो गया सर क्यों? क्या चीज? सब्सक्राइबर्स को ना अपने हाथ दिखा देता हूँ, हाथ के क्या हाल है। आज मेरे नील पड़ेगा भाई। भाई ऐसा ऐसा रास्ता दिखा रहा ना गूगल, ऐसा ऐसा रास्ता दिखा रहा, रास्ता है ही नहीं, नाले के बगल की रास्ती है वो। सो यहाँ पे जो ये पूरा रास्ता बंद है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। अब यहाँ से डिस्टेंस कुछ रह गया है 200 किलोमीटर, और हम लोगों को कवर करना है बाई 9 o'clock, आई थिंक सो हो जाना चाहिए। तो ये है साहिल भाई, हम लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और हम लोग अभी करनाल क्रॉस किए हैं, तो अभी इसके बाद में हम लोगों का प्लान है चंडीगढ़ जाने का सीधे, और अपने साथ के कुछ राइडर्स हैं वो आगे निकल गए, तो नाइस मीटिंग हिम, और अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी सारे लोग मिलने आ चुके हैं अभी तक। चलो ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय के लिए ब्रेक के लिए रुक गए थे। अम्बाला कैंट यहाँ से दिखा रहा है 40 किलोमीटर्स, अम्बाला कैंट से जो जीरकपुर का डिफरेंस है दैट इज़ 35 to 37 किलोमीटर्स, और हम लोगों को पहुँच जाना चाहिए टाइम पे, कोई चक्कर नहीं है, आराम से 8:40 हुआ है वैसे। देखो क्या 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 बात है, ये देखो सब में जान आ गई, ये देखो कैसे निकल रहे हैं। ये सो फाइनली वी हैव रीच चंडीगढ़, और मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से थोड़ा सा पहले रहता हूँ जीरकपुर एरिया में, और मस्त एकदम आज का राइड अच्छा रहा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में एग्जॉस्टिंग हो गया दिल्ली तक खींचने में, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था अच्छा था,